ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਓਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ आम आदमी पार्टी के संगरूर से सांसद और पंजाब प्रधान भगवंत मान द्वारा पत्रकार की ओर से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे पत्रकार से बदतमीजी करने वाले मान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लुधियाना यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा डिप्टी कमिश्नर लुधियाना को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने के बाद पत्रकारों ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जो समय समय पर देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करता रहा है और पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार अपने फर्ज को निभाते रहे हैं। लेकिन अफसोसजनक है कि भगवंत मान द्वारा पत्रकार के सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे बदतमीजी की गई। ऐसे में समूह यूनाइटेड प्रेस क्लब पत्रकार भाईचारा डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के जरिए लोकसभा स्पीकर को एक मांग पत्र भेजा गया और कहा गया कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर केस दर्ज करने की इजाजत दी जाए। आज लुधियाना के पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर श्री प्रदीप अग्रवाल को मिले और असी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भगवंत मान जो पार्लीमेंट के मैंबर ने संगरूर तो बदकिस्मती है कि पंजाब के मुंह रिप्रजेंट करते हैं जिस तरीके उन्होंने उत्ते पत्रकारों नाल व्यवहार किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हाईली कंडेमेबल जिन्हों आप कहने निंदनीय है और इन्हों अगे तो भगवंत मान अकल आनी चाहिए है कि हूँ वो पार्लीमेंट का मैंबर है और उन्होंने समझ बोझ के गल करनी चाहिए। असी अज सारे लुधियाने के पत्रकारों ने डीसी श्री प्रदीप अग्रवाल जी ने एक मैमोरेंडम दिता है जिदे असी जो भगवंत मान जिहड़े सांसद ने संगरूर तो उन्होंने चंडीगढ़ के पत्रकारों नाल बद सलूकी की असी उसकी कड़ी निंदा करते हैं और असी जिहड़े साडे भाईचारा जिहड़ा है साडा चंडीगढ़ का पत्रकार भाईचारा असी उन्होंने नाल मजबूती नाल खड़े हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं अपने किते दी मांग लेंदे और ये वादा नहीं करते कि मैं अगे तो यह जी कोई हरकत नहीं करूँगा तो साडा जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो इदां ही उन्होंने खिलाफ जारी रहेगा और असी तो यह भी मंग करते हैं कि उन्हां दा बायकाट किया जाना चाहिए ता कि उन्हां वर्गे जिहड़े होर भी जिहड़े कोई पॉलिटिशियन है उन्हां नूं भी समझ आवे कि जिहड़ा व्यवहार है पत्रकारां नाल वो असी इदां अगे तो नहीं करना।